हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं शिखा। आई होप आप अपने घर में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज हम आ गए हैं एक नए ब्लॉग में, नए ब्लॉग लेके, जो कि आज हम आपको दिखाएंगे दल झील, जो कि श्रीनगर में है। हम श्रीनगर पहुंच चुके थे रात में ही, और हमने स्टे किया था घंटा घर के पास। अब हम यहाँ से ऑटो से निकल गए हैं, जो कि हमें ऑटो फेयर लगा 100 रुपीज़। आप देखो कितनी खूबसूरत वादियां हैं। वैसे तो हमने बहुत सारे पिक्चर्स वीडियो कैप्चर किया है, बट लेकिन जो हम अपने आंखों के सामने जो नज़ारा देख रहे हैं, उस खूबसूरती को जस्टिफाइड करना नामुमकिन है। तो दोस्तों देखो कितनी खूबसूरत खूबसूरत वादियां दिख रही हैं आपको। और अब हम पहुंच चुके हैं दल झील। यहाँ देखो कितनी सारी शिकारा बोट लगी हुई है। हम इसे नाव बोलते हैं, बट यहाँ शिकारा बोलते हैं इसे। हमें यहाँ आके शिकारा राइड के लिए हमें रेट फाइनल करना पड़ा। हमारे कुछ दोस्त यहाँ आए थे, वो उन्होंने बताया था कि शिकारा राइड के लिए रेट फाइनल करने के लिए वहाँ कॉस्टिंग बहुत हाई बोलते हैं, पहले हमें बार्गेनिंग करना पड़ता है। हमें इन्हें 3600 से स्टार्ट किया इन्होंने, फिर 34 पे आए, हमने इसे 2000 में फाइनल किया, और 100 एक्स्ट्रा जो हमारी शिकारा को राइड कर रहे थे उन्हें दिया। तो आप देखो कितनी खूबसूरत वादियां दिख रही है। हमारे चैनल पर जो नए हैं, जल्दी से जाके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको दिखाते हैं शिकारा राइड। तो दोस्तों ऐसे ऐसी ब्लॉग्स हम आपको लाते रहेंगे। चलिए अब हम आपको शिकारा राइड कराते हैं। अभी तो भैया है, अभी थोड़ा पीछे मत जाइए, अभी कुछ नहीं जाना। आदमी तो आएंगे, आदमी आपको किधर लगेगा? हम तो कुछ नहीं जाना। होगा लगेगा, होगा कुछ नहीं। बोलते हैं ये है रेस्ट्रिक्टेड एरिया, मतलब इधर जाना पाबंदी है, इधर नहीं जा सकते हम, इसीलिए इधर नहीं जाएंगे हम और दूर उधर और जाएंगे। एक्चुअली अभी अभी नोटिस आया है कि हेवी रेनफॉल का दिया हुआ है यहाँ पे। अच्छा अच्छा ये व्हाइट फूल है, पिंक फूल है, वाटर लिली इन्हें बोलते हैं। सब भी है, ये जो पता है ना उसको निकलता वो डंडा। अच्छा तो इसे जो तो लोटस बोलते हैं ना, ये तो लिली नहीं है। अच्छा इसे लिली बोलते हैं। देखो ये शाम के वक्त 5 बजे ये फूल बन जाता है। अच्छा मतलब शाम में 5 बजे ये फूल बन जाती है, फिर उसके बाद सब सब कवर, मतलब ये कवर से मतलब खिल जाते हैं, फिर ये मतलब फिर बंद। अच्छा शाम के बंद हो जाते हैं, फिर सुबह मॉर्निंग में 10 o'clock मतलब ये खुल जाते हैं, मतलब हल्की धूप की धूप लगती है इन पे तो ये खुल जाता है। मतलब ये आप देखो ये पिंक कलर आप व्हाइट कलर की है, इसे ये यहाँ पे लिली बोलते हैं। ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे ये कमल नहीं है, ये लिली है। हाँ उधर भी आप दूर देखो वहाँ पे से दिख रही होगी, वहाँ पे लिली मतलब पिंक कलर में है, व्हाइट कलर में है वो, और छोटे छोटे डक है, प्यारे प्यारे
से डक है। बादल पूरा चल रहा है। कौन सा पॉइंट है? देखो वो, देखो ऊंचाई पर है ना। अच्छा वो जो ऊंचे पे पॉइंट है, ये ताज, ताज होटल नहीं है। दिखाना मेनू कार्ड, ये है यहाँ के मेनू कार्ड। ओनियन पकौड़े, पटेटो पकौड़े 90 रुपीज, पटेटो फिंगर चिप्स 100, पनीर पकौड़ा 120, मैगी विद फिश वेज 80 चाहिए है इनकी मेनू। चाय, चाय है यहाँ 25 और कश्मीरी आलमोंड शेक है 160, मिल्क शेक 120 एंड हॉट कॉफी आपको हो गया 50। अच्छा कश्मीरी कावा हो गया विथ हनी 50 रुपीज। गाइस हम पी रहे हैं कश्मीरी कावा। ये इसमें क्या क्या डाले रहता है? इसमें होता है केसर, अच्छा केसर, केसर और बादाम, इलायची, दालचीनी और शुरतुली मिक्स, जो सेहत के लिए अच्छा होता है, गला साफ रखता है। अच्छा ये यहाँ का जो मुगल लोग थे ना, इसको बोलते हैं समोवार। ये समोवार में इसलिए बनता है, मुगलों का है। okay. ये जो पहले जो डाले हैं इसमें क्या क्या डाला आपने अभी? इसमें केसर डालना पड़ता है इसी में, क्योंकि उसका केसर, उसमें नमक, दालचीनी वगैरह आपने डाला है अभी ना? नमक नहीं होता, मीठा होता है। किसमें हुआ था? मिशन कश्मीर का इसी में, ये चीयरफुल वाले में। एक ही आप दो, वही पियेंगे। आप दे दो एक, ये में दे दो ग्लास में, हाफ ऑफ कर लेंगे। दो आप इसमें। तो गाइस ये है, हम डल झील में कश्मीरी कावा का मजा लेते हैं। चेंज नहीं है, चेंज नहीं, चेंज हुआ ना? नहीं है। ये देखो ये बोर्ड लगा हुआ है। अच्छा ये गाइस इसमें हुआ था मिशन कश्मीर जो मूवी थी उस फिल्म की, इसमें शूटिंग हुई थी। ये बोट वही है, इसी में मिशन कश्मीर की जो मतलब बोटिंग, मतलब कश्मीर का जो सीन दिखाया गया। और ये है शंकराचार्य का मंदिर। अच्छा ये पूरा लगा हुआ था इस तरह का, मतलब अभी तक कुछ मतलब हटाया नहीं गया, इस तरह का भी है। गाइस आप देख रहे हो मतलब बहुत अमेजिंग अमेजिंग चीज हमें देखने को मिल रही है डल झील में। ये देखो छोटा बच्चा स्विमिंग करेगा। अच्छा ये देखिए ये छोटे से कश्मीरी बच्चे हैं जो स्विमिंग करेंगे अभी। आप देखो गाइस, हेलो, बच्चे डरे हुए हैं थोड़ा। गाइस ये है कश्मीरी बच्चे जो ये स्विमिंग कर रहे हैं। पीछे होगा क्या? आप देखो डल झील में यहाँ पे देखे ये किस तरह से स्विमिंग कर रहे हैं, छोटे से प्यारे से किड्स है। देखा इतने छोटे बच्चे हैं, कितने क्यूट से हैं।
मेरी बेटी पूर्वी वो तो काफी बदमाश है, और इस बच्चे को देखो कितना इंजॉय कर रहे हैं ये। आपने तो देखा है पूर्वी की मस्ती, आज तो हमें बहुत मिस कर रहे हैं पूर्वी को, बट हम उन्हें उसके अभी ला नहीं सकते हैं ना, अभी थोड़ी कोविड भी बढ़ी हुई है थोड़ी, तो इसी के लिए मैं लेके नहीं आई हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब मैं ट्रिप बनाऊंगी तो फैमिली ट्रिप बनाऊंगी, पूर्वी को लेके आऊंगी। अभी तो फिलहाल वो दादी बाबा के साथ हैं, क्योंकि मैं एक्सप्लोर करने निकली हूँ सोलो ट्रिप पे, तो उसे मैं लेके आ नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैंने किया है बजट ट्रिप, तो इसीलिए मैं उसे नहीं लेके आई हूँ। वो एक छोटी सी बच्ची है ना, 5 साल की तो है ही वो आज, लेकिन वो आती तो काफी मस्ती करती, लेकिन नेक्स्ट टाइम बजट हो जाएगी तो मैं उसे लेके जरूर आऊंगी, पूरी फैमिली के साथ आऊंगी। ये है लगभग 50-55 मिनट कश्मीरी वुमेन्स, जो एक वुमेन्स में होती है बहुत ताकत, आप देखो क्या चाबू चला के वो चले जा रही है, मस्त अपनी धुन में है। अब हम चलते हैं मीना बाजार, शाह मार्केट बोलते हैं यहाँ के हम लोग, वहाँ शॉल मार्केट है, मतलब वहाँ पे कश्मीरी शॉल वगैरह मिलते हैं मीना बाजार में, वहाँ चलेंगे। मतलब कश्मीर से रिलेटेड जो मतलब अखरोट हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गया, कश्मीरी शॉल हो गया वगैरह, मतलब जो है वहाँ पे देखने को हमें मिलेगी। तो आप हमारे चैनल पर बने रहे, हम आपको कश्मीर से रिलेटेड सारे एक्सप्लोर करवाएंगे आज। ये तो मतलब पूरे खाली हाउस बोट से भरा हुआ है पूरा, ये दल झील चार भाई का है हाउस बोट, अपना अपना गार्डन लगा है। देखो इसमें ये लोग करते क्या है पता नहीं, लेकिन ये बहुत अमेजिंग, मतलब इनकी गार्डन देखो आप कितनी खूबसूरत लग रही है, मतलब इतना अच्छा तरह से इन्हें डेकोरेट किया है फूल्स फूल्स का। ये तो माली लगाते होंगे आके, ये तो माली लगाते होंगे आके, पूरा गार्डन नदी के ऊपर में है, मतलब ये जमीन है पूरा पानी के ऊपर में है, मतलब इनकी देखभाल कितनी आप समझो कितनी अच्छी तरह मशक्कत से की जाती है, इसीलिए इसे जन्नत नहीं कहा जाता, काफी मशक्कतों से, ये तो इंडिया की जन्नत है ही, भारत की जन्नत है, मतलब यहाँ का बिजनेस मतलब उनका मुझे लगता है यही है, टूरिस्ट ही है एक तरह से, मतलब टूरिस्ट आते हैं तब इनकी मतलब आमदनी होती है, मतलब ये 2 साल इनकी आमदनी मतलब समझो आप मतलब नथिंग के बराबर थी, क्योंकि ये जो डल झील ये जो श्रीनगर है वो सिर्फ टूरिस्ट के वजह से चलती है। अच्छा पहलगाम तो अभी तो बंद है, वहाँ तो रास्ता अभी ये है, मतलब 2 दिन स्टे करते हैं, कोई 3 डेज स्टे करते हैं, मतलब जिसकी जितनी बजट है उस हिसाब से वो स्टे करते हैं इसमें। अच्छा किसका घर है, गुलमार्ग का, अंदर उनका गुलमार्ग का घर है, सीधा आप देखो एकदम स्ट्रेट साइड में, हल्की हल्की झिमझिम बारिश चालू हो चुकी है। वो दूर स्टेट में है, एकदम यहाँ से स्ट्रेट में है वो, आपको मतलब वहाँ कश्मीरी शॉल वगैरह सब जो है, हम उधर ही चल रहे हैं अभी। ये जो आप बोट हाउस देख रहे हैं, जो छोटे छोटे सिकारे देख रहे हैं, इनकी संख्या यहाँ पे लाखों में है। यहाँ का जो मेन बिजनेस है वो सब टूरिज्म और टूरिस्ट पे ही डिपेंडेंट है ये लोग, और यहाँ पे फ्रंट में बोट हाउस है और बैक साइड में
छोटे छोटे करीब 7-8 कस्बे और गांव बसे पड़े हैं, बसे हैं वहाँ पे। तो गांव है, वो गांव के जो लोग हैं वो भी इसी प्रकार के बोट पे ही रहते हैं। वहाँ कोई धरती, कोई सब मतलब सतह नहीं बनी हुई है। ये लोग बोट हाउस को ही पूरा सा अच्छे से बना करके ये लोग बोट हाउस पे ही रहते हैं। ये लोग 7-8 गांव, जैसा कि ये भैया बता रहे हैं, इसके पीछे में है। क्या चीज के लिए? ये जो कुर्बाना करता है ना। अच्छा, कुर्बान अपनी जिद्दत के लिए। क्या होता है उसमें? क्या होता है, क्या होता है उसमें? इसीलिए होता है गोश्त। नहीं समझे, कुर्बान में क्या होता है? कुर्बानी मौत है ना, हम वो करता है टिकी टिकी टिकी। वो क्या होता है? वो होता है बकरी। अच्छा, बकरी को मतलब ये करना, हलाल करना। हाँ, हलाल करना। गाइस, इसे बोलते हैं बोट हाउस। ये है 4 रूम वाला और इसके ही बस जस्ट सामने में है शुकून नाम है इसका। ये है 5 रूम्स वाला हाउस बोट। इस टाइप का छोटा, जस्ट उसके बगल में 2 रूम्स का है और उसके बगल में है 1 रूम का, जिसे दान कहते हैं। हैप्पी दान, इसे मैरी दान, उसे हैप्पी दान और उसे दान कहते हैं। मतलब टोटल हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब 6 हाउसेस है, 6 बोट हाउस है यहाँ पे। यहाँ पे बहुत सारे हाउस बोट मतलब हाउस बोट है ये, मतलब ये उन महाराजाओं के जो है, जो ये 6 बोट हाउसेस उनकी है, मतलब अलग अलग रूम के हैं टाइप का। इधर क्या है? इधर ये गली कहाँ जाती है? अच्छा, ये गली जाती है जो छोटे कस्बे गांव जो है। ओके, हमें उधर जाने की अनुमति नहीं है। अच्छा, गार्डन रखा है, मतलब ये एक तरह से, मतलब इसमें रहने का मतलब होता होगा, मतलब जाने नहीं देते हैं। अच्छा, रूम बंद है। अच्छा, बुकिंग होती है तो सर। अच्छा, इसमें करने के लिए इसे बुकिंग करने के लिए 10 दिन पहले बुकिंग किया जाता है। मतलब इसे स्टे करने के लिए हमें 10 दिन पहले बुकिंग किया जाता है। इसमें अवेलेबिलिटी होती है। हाँ, मतलब अवेलेबिलिटी जिस तरह से होती है, मतलब आप हैंड टू हैंड चाहोगे तो ये पॉसिबल नहीं है, इसे पहले ही बुकिंग किया जाता है। वहां से लगता है ये गांव से आ रहे हैं क्या? ये अच्छा, ये बच्चे जो आ रहे हैं, 2 बच्चे आ रहे हैं जो अंदर गांव से आ रहे हैं ना। अच्छा, ये उधर साइड में वहां से इधर आने के लिए बस ये बोटिंग ही एक सहारा है उनका। अच्छा, जब यहाँ बारिश आती है तो ये भर जाते हैं पूरे, तो फिर ये बंद हो जाती है? नहीं तो इसकी पानी तो ओवरफ्लो हो जाती होगी। अच्छा, ऊपर ऊपर रहता है, मतलब कोई दिक्कत नहीं होता है, ये ठंड में भी फ्रोजन में चलती है। अच्छा, ये जो गार्डन बना हुआ ये भी ऊपर होता रहता है क्या? अच्छा, मतलब ये जो गार्डन जैसा बना है इसमें मतलब टमाटर है? अच्छा, मतलब इसमें मतलब आप फार्मिंग करते हैं यहाँ के? अच्छा अच्छा, इसीलिए बांधा हुआ मकान है, वो भी बोट पे है क्या? हाँ। अच्छा, मतलब वहाँ फार्मिंग का पूरा ये बना हुआ है उस टाइप का, वो जो आप दूर देख रहे हो, मतलब एक टापू जैसा बना हुआ है उसमें, मतलब बना हुआ है वहाँ पे उस तरह से जाने का है, और उधर पूरे सारे मतलब फार्मिंग का काम किया हुआ है, जैसे छोटी छोटी मतलब टमाटर वगैरह सब्जी मतलब लगी हुई है। क्या आपने बोला? क्या बोला?
दस पॉइंट तो आप तो यही जो राउंड में होगा उसी को ना आप दिखाएंगे, आप अलग दूर में क्या हो, ये इस राउंड में जो है आप वो इस पॉइंट को दिखा रहे हो। हाँ ये गार्डन बना हुआ है पूरे एकदम बोटिंग बोट हाउस। अच्छा। मतलब ये पूरा जमीन है, ये मतलब उधर पानी नहीं है। अच्छा मतलब जमीन मिट्टी लगाया हुआ है पूरा। एक बोट बनाने में कितना खर्चा आता होगा? अच्छा उस जमाने में 1 करोड़ रुपए लगता था। अच्छा इस मतलब इस बोटिंग हाउस को बबनाने के लिए पहले जमाने में 1 करोड़ लगते थे और अभी लगते हैं 4 करोड़। मतलब ये मतलब जो ये लकड़ी वगैरह है अभी अब मिलती नहीं है, ये अलग लकड़ी है ना। मतलब कौन सी लकड़ी का यूज होता है इसमें? द्विधारा। अच्छा अच्छा ये जो अंदर का जो मतलब नकाशी किया हुआ वो अखरोट का नकाशी किया हुआ है इसमें। अच्छा मतलब इसे बनाने में काफी मतलब लगती है। चल गाइस हम इसमें अंदर जा नहीं सकते हैं, जा नहीं सकते हैं क्योंकि अभी वहाँ खुला हुआ नहीं है, वो बंद है एक्चुअली ईद के वजह से मतलब सारे बंद पड़े हुए हैं। और ये है छोटे छोटे नन्हे मन्ने बच्चे, गांव के बच्चे हैं, इस यहाँ के कस्बे छोटे गांव से हैं, ये बोटिंग का अपना मज़ा ले रहे हैं खुद। और ये है, ये एक पॉइंट है, इसे फूडिंग गार्डन कहते हैं। अच्छा ये बड़े बड़े जो कमल होते हैं उसका पता है, मतलब ये डिफरेंट तरीका का है। हाँ ये ऊपर मतलब बहुत ज्यादा ऊपर खिलते हैं। अच्छा अच्छा गोला निकलती है उसमें खाने के लिए, मतलब कमल के अंदर में गोला निकलती है। अच्छा अच्छा जो कमल ककड़ी हम लोग यूज करते हैं खाने के लिए जो यूज होती है, अच्छा उसमें मतलब नीचे से जो कमल ककड़ी होती है। ये सब में क्या स्विमिंग पूल है क्या? अच्छा कहाँ जाती है ये? ये चार बोट भी निकलता वहाँ से। अच्छा ये चार बोट वहाँ निकलती है, मतलब अभी तो फिलहाल 3 बोट दिख रही है। अच्छा गाइस यहाँ बहुत तरह तरह के अमेजिंग चीज आपको देखने को मिलेगी, मतलब हाँ वो तो छोटे छोटे गांव है दिख रहे हैं, मतलब पूरे जमीन मतलब जमीन के ऊपर ये है और चारों तरफ सिर्फ पानी है। तो ये लोग को जो बाहर जाना होता होगा तो नाव से जाते हैं वैसे? मतलब नाव का यूज करते होंगे, इन लोगों को कहीं अगर निकलना पड़ता होगा तो ये नाव का यूज ही करते होंगे। और जब पूरा बर्फ जम जाता होगा तो? और उन्हें कभी बोट से जाते हैं, मतलब वो अपने जरूरत के सामान को मतलब ला के स्टोर करके रखते होंगे। हाँ मतलब हमेशा मतलब इस यूज को मतलब निकलना मतलब उनके लिए पॉसिबल नहीं है, मतलब अपने जरूरत की चीज़ जैसे फार्मिंग वहाँ पे आपने व्यवस्था किया हुआ है उन्होंने, मतलब और कुछ मतलब सामान जैसे हो गया राशन वगैरह का वो एक बार ला के स्टोर करके रख देते हैं वहाँ पे। तो गाइस आज का व्यूज़ आपको कैसा लगा, हमारे साथ आज आपको सफ़र कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आपके सब्सक्राइब से हमारा हौसला बनता है, इसीलिए प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करिएगा ताकि हम अच्छे अच्छे और भी सिटीज़ में जाके एक्सप्लोर करें और आपको अच्छी अच्छी व्यूज दिखाएं। तब तक के लिए बाय बाय। कौन सा ऊंचाई पे? अच्छा ये सबसे ऊपर में ऊंचे पे है शंकराचार्य।
अच्छा यहाँ पे मस्जिद भी है, भगवान भी है ऊपर में। अच्छा गाड़ी जाती है वहाँ पे सिर्फ। ओके 200 सीढ़ी। अच्छा वो डायमंड की तरह होता है। अच्छा अच्छा इसी में मूंगफली निकलते हैं, मीठा होता है बहुत। अच्छा मतलब ये जो कमल के जो पत्ते हैं बड़े बड़े जो उस पे जो आपने पानी फेंका उस पे मूंगफली निकलते हैं। अच्छा इस पत्ते पे बादाम बनते हैं। ये आएगा सब ऊपर, अच्छा लंबा हो जाएगा ये। मतलब काफी लंबा, मतलब काफी फीट ऊपर लंबा होता है। ये जब सूखता है ना ऐसा ऐसा, अच्छा पक्का होता है नीचे कमल का काकड़ी। सर देखो कहाँ से आया सर, कहाँ कहाँ घूम गया था, इससे बड़ा राउंड किसी का राउंड नहीं होता। तो फाइनली हमारा शिकारा का राउंड कंप्लीट हुआ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।